आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय मम्मी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। ये रहस्यमय मम्मी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामून की थी, जो करीब 3200 साल से जमीन के अंदर दफन थी। इसे साल 1922 में खोजा गया था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने इस रहस्यमय मम्मी की खोज की थी। कहते हैं कि तूतनखामन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। जब उनकी कब्र खोजी गई, तो आर्कियोलॉजिस्ट को उनकी मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिली, जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। वो कमरा सोने चांदी से भरा हुआ था। तूतनखामन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतनखामन की शांति को भंग करेगा, उसकी मौत हो जाएगी। और यहीं से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कौन है ये राजा तूतनखामन? जानने के लिए